दोस्तों, जब आप रात को खुले आसमान में देखते हैं तो आपको अनगिनत टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं। पृथ्वी से देखने पर तो ये सभी तारे बहुत छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत बड़े होते हैं। इतने बड़े कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको यकीन नहीं होगा कि कई तारे तो हमारे सूरज से भी लाखों गुना बड़े होते हैं। ये सभी तारे हमारी पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर हैं, इसलिए हमें तारे छोटे दिखाई देते हैं। दरअसल स्टार शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द एस्टर या एस्ट्रॉन से बना है, जिसका अर्थ है ए स्टार, यानी कि एक तारा। आज हम आपको तारों से जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों से अवगत कराएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आकाश में कितने तारे हैं? आकाश में केवल 9096 तारे ही खुली आंखों से देखे जा सकते हैं। इससे अधिक तारे देखने के लिए आपको दूरबीन का प्रयोग करना होगा। ये सभी तारे सूर्य से बड़े और अधिक चमकदार होते हैं। दरअसल खगोल वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में करीब 2 से 4 खरब तारे हैं, और हबल ने ब्रह्मांड में अनुमानित ऐसी 100 अरब आकाश गंगाओं का खुलासा किया है। ब्रह्मांड में कुल मिलाकर इतने तारे हैं कि गिनती के लिए एक के पीछे 24 शून्य जोड़ने पड़ जाएंगे। इस विशाल संख्या को अमेरिकन नंबरिंग सिस्टम में 1 सेप्टिलियन कहा जाता है और यूरोपियन सिस्टम में 1 क्वाड्रिलियन कहा जाता है। एक हैरान करने वाला तथ्य यह भी है कि अगर आप 1 मिनट में 100 तारे भी गिनते हैं तो भी आपको पूरी आकाशगंगा के तारे गिनने में 2000 साल लगेंगे। हमारी आकाशगंगा में हर 18 दिन में एक नया तारा बनता है और सभी तारे अपने जीवन की शुरुआत नेब्यूला नामक धूल के बादल के रूप में करते हैं। तारे 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम से बने होते हैं। तारों के कोर में हाइड्रोजन की सहायता से न्यूक्लियर रिएक्शन होता रहता है, जिससे उन्हें इतनी ऊर्जा मिलती है कि वे सालों तक चमकते रहें। तारों का जीवन अरबों वर्ष का होता है, लेकिन तारा जितना बड़ा होता है उसकी आयु उतनी ही कम होती है। उदाहरण के लिए एटा केरिनी नाम का एक तारा सूर्य से 150 गुना बड़ा है और 4 लाख गुना अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, लेकिन इसकी आयु कुछ लाख वर्षों तक ही सीमित है, जबकि सूर्य अभी भी करोड़ों वर्षों तक अस्तित्व में रहेगा। एटा केरिनी नाम का तारा कभी भी सुपरनोवा में बदल सकता है। जब भी यह होगा, यह सूर्य और चंद्रमा के बाद आकाश की सबसे चमकीली चीज होगी और ये दिन में भी दिखाई देगी। आपको बता दें कि सुपरनोवा में बदलने से पहले तारे रेड जाइंट का रूप धारण कर लेते हैं और लाखों वर्षों तक इसी अवस्था में रहते हैं। इसके बाद ये व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ का रूप धारण कर लेते हैं, फिर सुपरनोवा में बदलकर विस्फोट के कारण समाप्त हो जाते हैं। बाद में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक नए तारे न्यूट्रॉन स्टार का जन्म होता है। पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा सूर्य। सूर्य जिसे करोड़ों तारे ब्रह्मांड में अपना स्थान बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी सूर्य हमारे लिए सबसे खास है, क्योंकि इससे मिलने वाली ऊर्जा ही पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। सूर्य आज से 4.6 अरब साल पहले एक गैस और धूल के बादल, जिसे सोलर नेब्यूला कहा गया है, उससे बना था। अभी यह अपने मेन सीक्वेंस स्टार अवस्था में है। इसने अपना आधा जीवन बिता लिया है और अभी इसका 4 से 5 अरब साल का जीवन बचा हुआ है। हाइड्रोजन खत्म होने के बाद जब सूर्य रेड जाइंट स्टार में बदल जाएगा, तब यह पृथ्वी तक फैल जाएगा और अपने अंदर बुध, शुक्र, पृथ्वी, इन सभी ग्रहों को संभालेगा। इसके बाद यह तारा व्हाइट डॉर्फ स्टार में परिवर्तित हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा वास्तव में हमारा अपना सूर्य है, जो कि पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के बाद जो अगला निकटतम तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी पृथ्वी से लगभग 4.5 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी से सबसे दूर का तारा। दरअसल खगोल विज्ञानी अभी तक सबसे दूर के तारे का पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन अंधेरी रात में खुली आंखों से दिखाई देने वाले सबसे दूर के तारों में से एक डैनेब तारा है। डैनेब बहुत दूर है और बहुत अधिक चमकीला भी है। अंतरिक्ष का सबसे विशाल तारा। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़े तारे की। जब अरबों की संख्या में तारे मौजूद हों तो मन में यह सवाल जरूर उठता है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा UY Scuti है, जो हमारी पृथ्वी से दूर स्कंतम कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है।
यह हमसे 5220 प्रकाश वर्ष दूर है, जो मिल्की वे के केंद्र के नजदीक भी है। इसकी रेडियस सूर्य से 1708 गुना ज्यादा है। आकार में यह इतना विशाल है कि इसमें 270 करोड़ सूर्य समा जाए। इसकी चमक भी सूर्य से 3,40,000 गुना ज्यादा है। अगर यह स्टार सूर्य की जगह आ जाए तो इसका आकार शनि ग्रह तक फैल जाएगा और वायुमंडल प्लूटो तक। मतलब ये कि यह हमारे पूरे सौर मंडल को ही अपने अंदर समा सकता है। भले ही आकार में यह बड़ा हो, लेकिन द्रव्यमान में सूर्य से सिर्फ 30 गुना ज्यादा ही है। अभी यह तारा रेड सुपर जाइंट स्टार की अवस्था में है। जब इसका कोर लोहे का उत्पादन शुरू कर देगा, तब सुपरनोवा धमाके से एक विशाल ब्लैक होल का जन्म होगा। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह इतना विशाल तारा है कि रेड जाइंट स्टार के बाद वो येलो जाइंट स्टार में भी परिवर्तित हो सकता है, तब जाकर यह ब्लैक होल बनेगा। अंतरिक्ष का सबसे पुराना तारा। मैथ्यू सेला तारा अंतरिक्ष में सबसे पुराना तारा है। वास्तव में यह ब्रह्मांड का सबसे पुराना तारा है और खगोलविदों द्वारा इसकी आयु का काफी सटीक अनुमान भी लगाया गया है। यह पृथ्वी से लगभग 200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और वैज्ञानिकों के मुताबिक 13.5 अरब वर्ष से भी पुराना है। एक ऐसा तारा जो ब्रह्मांड से भी पुराना है। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो यह हुआ कि उस स्टार का अस्तित्व ब्रह्मांड से पहले भी था। पर जब हम ये जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु के धमाके से हुई थी, जिसे बिग बैंग कहा गया है, तो फिर ये तारा आया कहां से? मैथ्यू सेला स्टार से आने वाली रोशनी से यह पता चलता है कि इसकी उम्र लगभग 14.4 अरब साल से कुछ ज्यादा या कम है। अब अगर इसकी न्यूनतम उम्र भी जाने तो भी वो 13.6 अरब साल है, जबकि ब्रह्मांड की उम्र भी 13.6 अरब साल ही है। पर रिसर्च के मुताबिक ब्रह्मांड का पहला तारा बिग बैंग के 10 करोड़ साल के बाद बना था। तो ये तारा आया कहां से? तारों की औसत आयु 1 से 10 अरब वर्ष तक होती है, लेकिन मैथ्यू सेला तारा 13.5 अरब साल पुराना है। यह हैरानी की बात है। आपको क्या लगता है कि ब्रह्मांड को हम जितना पुराना समझ रहे हैं, क्या वो उतना ही पुराना है या उससे भी ज्यादा है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? सच तो यह है कि तारे कभी भी टिमटिमाते नहीं हैं। हमें बस ऐसा आभास होता है। जब तारे क्षितिज यानी होराइजन के पास होते हैं, तब तारे से निकलने वाला प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रसारित होता है और उसे कम और अधिक घनत्व वाली विभिन्न परतों से गुजरना पड़ता है। क्योंकि वायु की गर्म और ठंडी परतें चलती रहती हैं, इसलिए प्रकाश का घुमाव भी बदल जाता है। इसलिए उनका प्रकाश कभी कम और कभी अधिक होता है, जिससे तारे जगमगाते या टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।